हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल नो अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्लास फिफ्थ साइंस का चैप्टर 5 है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, ट्रैकिया जिसको कि हम विंड पाइप बोलते हैं, एंड ए पेयर ऑफ लंग्स। ये सिस्टम जो है नाक से स्टार्ट होता है और विंड पाइप से होता हुआ लंग्स तक जाकर ख़त्म होता है। When you breathe in, you inhale air, and as you breathe out, you exhale air. The inhaled air passes from your nostrils to the trachea. The trachea branches out into both the lungs. सांस की हवा यहाँ से नाक से श्वास नली तक गुजरती है, श्वास नली शाखाओं में दोनों फेफड़ों से होते हुए बाहर जाती है। Inside the lungs, they further divided into many more smaller branches. फेफड़ों के अंदर वह कई और छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। At the end of each such branch is an air sac. ऐसे प्रत्येक शाखा के अंत में एक वायु थैली होती है जिसको कि हम air sac बोलते हैं। Your lungs are one of the largest organs in your body. आपके फेफड़े आपके शरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक हैं। तो बच्चों, ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। आओ अब नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नर्वस सिस्टम को कहते क्या हैं। नर्वस सिस्टम को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल द नर्वस। इस सिस्टम में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और सभी नसें शामिल हैं। दिस इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी एज इट कंट्रोल्स ऑल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर और हमारे शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स अस टू बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। यह हमें अपने आसपास के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न, रिमेंबर एंड थिंक। यह हमें याद रखने या सोचने में भी मदद करता है। ऑल आवर फीलिंग्स एंड एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। हमारी सारी भावनाएं और कार्य तंत्रिका तंत्र द्वारा ही संभव है। नर्वस फ्रॉम ए नेटवर्क विच रन्स थ्रू आउट द बॉडी। नर्वस एक तरह का नेटवर्क है जो पूरे शरीर में दौड़ता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नर्वस। नर्वस जो है वो तीन प्रकार का होता है, सेंसरी नर्वस, मोटर नर्वस और मिक्स्ड नर्वस। तो पहला है सेंसरी नर्वस। सेंसरी नर्वस क्या होता है? दे कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा मैसेज को कैरी करता है मस्तिष्क के लिए और रीढ़ की हड्डी के लिए। सेकेंड है मोटर नर्वस। दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल और ग्लैंड्स। यू कैन से दैट द ब्रेन पासेस द ऑर्डर्स थ्रू दीज मोटर नर्वस। मोटर नर्वस जो है मस्तिष्क से संदेश ले जाता है मांसपेशी या ग्रंथि को, और मोटर नर्वस के जरिए ही ब्रेन जो है ऑर्डर पास करता है। लास्ट है मिक्स्ड नर्वस। मिक्स्ड नर्वस क्या है? मिक्स्ड नर्वस कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम इट। मिक्स नर्वस जो है सारी मैसेज को जो है ब्रेन तक पहुंचाता है और साथ ही उससे ऑर्डर लेकर आता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम के बारे में जाना। थैंक यू।